तो सबसे पहले आज जो मैं डिस्कस करूंगा ना, वो जो डिस्कशन है वो डिस्कशन आज है कालपुरुष कुंडली में। तो कालपुरुष कुंडली मैं पहले भी लेक्चर में उसके ऊपर मैंने काफी इम्फोसिस किया था कि मैं कालपुरुष कुंडली के ऊपर बहुत जो मेरा बेस है ना उसको मैं बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूँ, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि बिना कालपुरुष कुंडली के प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, या किसी भी कुंडली को समझना ही बहुत मुश्किल है। तो देखो, अब कालपुरुष कुंडली जो होती है, कालपुरुष कुंडली एरीज लगन की कुंडली में बनती है। मतलब एरीज लगन मतलब पहले घर में मेष राशि होती है, यानी कि पहले घर में मेष राशि, फिर दूसरे में वृषभ, फिर तीसरे में जेमिनी, फिर चौथे में कर्क, ऐसे करके हम पाइसिस राशि यानी हम हाउस नंबर 12 तक पहुंचते हैं। ठीक है। अब अगर आप, मैं जो आपको एस्ट्रोलॉजी में जो आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि देखिए, ज्योतिष में ना जब आपको कुंडली देखनी है या जब आपको कुंडली एनालिसिस करनी है, प्रिडिक्शन करनी है, तो आप स्पिरिचुअल एंगल जरूर लाएं। बिना स्पिरिचुअल एंगल के जो मैथमेटिक्स हैं, जो गणनाएं हैं, वो एक हद तक ही सपोर्ट करती हैं, वो हमको ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है किसी कुंडली का विवेचन करने में ना, उसको आकलन करने में हमको ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है मैथमेटिकली जब हम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि जितनी भी किताबें हैं ज्योतिष की, जितना आपने पढ़ा होगा या आगे आप पढ़ेंगे ज्योतिष की, जो स्पेशली जो पुरानी किताबें हैं जिनमें ऋषियों ने योग कारक मारक के बारे में बताया है ना, और हर ऑथर ने, हर ऋषि ने वही बात किसी न किसी तरीके से, वो उसी बात को अलग तरीके से व्यक्त किया है, मगर लिखा वही है कि भाई इस लगन में ये मारक ग्रह है, इस लगन में ये योग कारक है। अब हर बार हम इसको कैसे समझे, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना और चीजों को समझने का तरीका है, वो कोशिश ये रहती है मेरी कि मैं किसी को भी ना बोलूं कि आप सब्जेक्ट को मतलब क्रैम करो, यानी कि आप हमेशा ये मत समझो कि जो शनिदेव है तुला लगन में हमेशा योग कारक है ना, या कुंभ लगन में शुक्र हमेशा योग कारक है। और उस एग्जाम्पल में आऊंगा और आपको समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, है ना। देखो, मेष लगन की कुंडली जिसको हम काल पुरुष कुंडली बोलते हैं, उसमें जो पहला घर मंगल को दिया है, यानी लगन और बॉडी जिसको बोलते हैं उसको दिया है, उसमें आठवां घर भी दिया है, उसको मृत्यु का भी दिया है। ऐसा क्यों, मतलब सोचने वाली बात नहीं है कि आप पहले घर को जो केंद्र और त्रिकोण का घर है, क्योंकि जैसे ही कोई किसी प्लैनेट को केंद्र और त्रिकोण की लॉर्डशिप मिलती है, या तो वो योग कारक हो जाता है या फिर वो समग्रह न्यूट्रल में आ जाता है वो, है ना। तो वो फिर आठवें घर की क्यों दिया उसे, मतलब मृत्यु का घर क्यों दिया, सोचने वाली बात है। ऐसे ही दूसरा घर जो शुक्र का है, वेल्थ का है, तो उसे सातवां घर मारक क्यों दिया, है ना। ये थोड़ी बातें ना सोचने की है, मतलब अध्यात्म से जुड़ी हैं ये बहुत बातें, और अगर इस पे हमारी कमांड हो जाए ना, तो हमको कभी भी ना कंफ्यूजन नहीं होगा कि इस लगन में ये योग कारक है या इस लगन में ये वाला प्लैनेट मारक है, हमको कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। देखो, कालपुरुष कुंडली जो है वो किसकी है, भगवान विष्णु की कुंडली मानते हैं उसको हम, है ना, भगवान विष्णु की कुंडली मानते हैं, बोलते हैं कि भाई वो हम बोल सकते हैं कि भगवान विष्णु का जो एक रूप है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनकी भी कुंडली है वो, ठीक है, क्योंकि भगवान विष्णु ने के मतलब हर अवतार हुए हैं, हर अलग अलग तरीके से, कभी परशुराम बन के आए हैं वो, कभी वराह बन के आए हैं, कभी भगवान राम बन के आए हैं, कभी कृष्ण बन के आए हैं। तो कभी सोचा है इसका क्या मतलब है, क्योंकि जब हम कालपुरुष कह रहे हैं और विष्णु जी की कुंडली बोल रहे हैं, तो कुछ तो इसके अंदर रहस्य होगा ना इस बात में, क्यों इसके ऊपर अभी तक कोई किताब नहीं है, क्यों इस रहस्य को मतलब कोई अभी तक क्यों नहीं उजागर कर पाया है। इतनी कालपुरुष कुंडली इतनी इंपॉर्टेंस होती है, लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बिना कालपुरुष कुंडली के प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल बिल्कुल, इसकी हम कोशिश करेंगे कि हम डेप्थ में जाके समझें इसको, स्पिरिचुअल लेवल पे समझें। देखो, मेष लगन कुंडली में जिसको हम कालपुरुष कुंडली बोलते हैं, सबसे बेनिफिक हाउसेस कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिक हाउसेस जिसपे दो प्लैनेट हैं जिनका सबसे ज्यादा उनकी रूलरशिप है, और सबसे ज्यादा कहते हैं कि भैया सबसे अच्छे बेनिफिक प्लैनेट है, एक तो चंद्रमा चौथा घर और एक सूर्य पांचवा घर, करेक्ट। अब ये
जो हम बोल रहे हैं कि भाई भगवान विष्णु जी की कुंडली, यानी भगवान विष्णु जी को किससे डिनोट किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में, भगवान सूर्य से किया जाता है, करेक्ट। अब भगवान सूर्य से डिनोट किया जाता है, तो आप ये बताइए कि अगर हम विष्णु जी का अवतार बोल रहे हैं, विष्णु जी के जो अवतार हैं राम है, कृष्ण जी हैं, अब आप मुझे बताइए कृष्ण जी को, भगवान कृष्ण को क्या अपनी बायोलॉजिकल जो उनकी माता थी उनका सुख मिला, देवकी जो उनकी माता थी क्या उनको सुख मिला, उनका जन्म भगवान कृष्ण का कहाँ हुआ, जेल में हुआ, उनकी जो माता थी देवकी क्या उनको कभी उनको प्यार मिला भगवान कृष्ण को, ये मतलब सोचने वाली बात है, हैं। और चौथा घर सबसे बेनिफिक है, चौथा घर किसको बोल रहे हैं हम, माता का बोल रहे हैं, माता के सुख का बोल रहे हैं, तो अगर वो बेनिफिक है तो फिर भगवान विष्णु के साथ ऐसा क्यों हुआ, जो भगवान राम का अवतार लेके आए थे लोग और कृष्ण का क्यों नहीं मिला उन्हें, जब सबसे बेनिफिक हाउसेज है कालपुरुष कुंडली में, तो सवाल है नहीं है, किसी ने आज तक किया नहीं इस क्वेश्चन को, आप खुद सोचो ज्योतिष में जितने भी गुरु हैं कभी इस बात पे चर्चा हुई कि बेनिफिक प्लैनेट जिसको हम बोल रहे हैं माता, माता का सुख कालपुरुष कुंडली बोल रहे हैं भगवान विष्णु जी की, तो भगवान विष्णु जी को तो कभी सुख मिला ही नहीं अपनी माता का, कभी नहीं मिला, आप खुद सोचो। और हम कहते हैं कि पांचवा घर जो कि पूर्व पुण्य का है, ठीक है, संतान का है, तो भगवान राम को भी नहीं मिला अपने पुत्रों का सुख, लव कुश का कहाँ मिला उन्हें, उनको अपनी माता कौशल्या का भी नहीं मिला, अपने पिता दशरथ का भी नहीं मिला, वो तो वनवास चले गए थे भाई। हेलो, यस सर, है ना, तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक एंगल को हम पकड़ेंगे। अब देखो जैसे कि हम लेते हैं दूसरा घर जो वेल्थ का है, शुक्राचार्य जी का घर है वो, या माता लक्ष्मी का या कुबेर का है, सोचने वाली बात है, वो किसका घर है, वेल्थ का घर है वो, टॉरस साइन और लिब्रा साइन जो सेवेंथ का है वो भी उस पे शुक्र का आधिपत्य है, तो ये दोनों घर किसके हैं, शुक्राचार्य के हैं, देवगुरु शुक्राचार्य के हैं, लक्ष्मी जी के हैं, या कुबेर के किसके घर है, क्योंकि इन तीनों को ही शुक्र से रिप्रेजेंट किया जाता है, वीनस मतलब आइदर कुबेर या लक्ष्मी जी या फिर शुक्राचार्य, तो ये कौन, ये किसकी एनर्जी है कुंडली में जो कालपुरुष में, लक्ष्मी की, जेमिनी साइन थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस जो कि कंपटीशन का है, थर्ड हाउस पराक्रम का है, सिक्स्थ हाउस कंपटीशन रोग ऋण शत्रु का है, बुध का उस पर आधिपत्य है, बुध को जिसको कि एक वैदिक ज्योतिष में नपुंसक प्लैनेट बोलते हैं, यूनक बोलते हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं, तो उसमें किसकी एनर्जी है, महाभारत की शिखंडी की, जो कि पिछले जन्म में वो अंबा थी जो कि अपना रिवेंज लेने भीष्म पितामह से आई थी, वो शिखंडी है, या वो है अर्जुन का वो वाला रूप जब वो अज्ञातवास में थे वो, और जब उर्वशी ने उन्हें श्राप दिया था, वो कौन है, समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेते हैं, नाड़ी ज्योतिष में बुद्ध को विष्णु जी माना जाता है, तो वो कौन है, वो मोहिनी अवतार है, वो कौन है, मतलब कुंडली में वो किस कौन है, वो ये पहचानना बहुत जरूरी है, इसके बिना कैसे कोई ये कह दे कि इस लगन में ये मारक है, ये योग कारक है, ये तुला लगन है तो ऐसा है, जेमिनी लगन है तो ऐसा है, कर्क लगन है तो ऐसा है, ये तो मैं भी कोई ऐसी बुक लिख सकता हूं, मैं लिख दूंगा, मेरे को क्या कोई बहुत बड़ा एफर्ट तो लगेगा नहीं, है ना, तो मतलब व्हाट इज दैट डिफरेंस आई कैन ब्रिंग इट टू द सोसाइटी। ऐसे ही कालपुरुष कुंडली में दसवां और ग्यारहवां घर शनिदेव का है, है ना, अब शनिदेव कर्म को दिखाते हैं, ग्यारहवां घर जो कर्म से गेन होता है, प्रॉफिट को होता है, उसको बताते हैं, तो वो शनिदेव कौन है, क्या वो शनिदेव वो हैं जो कृष्ण भक्ति में लगे रहते थे वो हैं, क्या ये शनिदेव वो हैं जिन्हें अपनी ही माता का श्राप लगा था एक टांग टूटने का जिससे वो लिंप करके चलते हैं, क्या ये वो है, क्या ये शनिदेव वो हैं जिनको अपनी ही वाइफ दामिनी का श्राप लगा था कि जिसकी भी तरफ दृष्टि डालेंगे वो अपनी डाउनवर्ड दृष्टि उसका जो है संहार हो जाएगा, उसके जीवन में प्रलय आ जाएगी, तो हमें कैसे पता चले कुंडली में वो शनि कौन है, उनकी उनकी जो देखने वो जो देख रहे हैं उसको देखने का हम क्या मीनिंग निकालें,
सर इन दोनों को फादर फिगर भी नहीं मिला ना, शनि और बुध को, जबकि दे कम फ्रॉम अ रॉयल, वेरी रॉयल। निर्मला जी आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे प्लीज, थोड़ा सा लाउड बोलिए प्लीज। सर बुध और शनि दोनों नपुंसक है, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों को बाप का वो जो बोलता है ना छत्र छाया या नाम और गद्दी, क्योंकि एक का पिताजी साक्षात भगवान सूर्य है और दूसरे के साक्षात जुपिटर गुरु बृहस्पति है, बुध सॉरी चंद्र है पर बृहस्पति ने उन्होंने लिया, तो दोनों को फादर फिगर नहीं मिला ना, वो भी है ना उनका स्टोरी में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो शनिदेव ने जब जन्म लिया तो उन्होंने जन्म लेते ही अपने पिता सूर्यदेव को ग्रहण लगा दिया था, ठीक है, और जो जब बुध का जन्म हुआ था तारा से जो कि बृहस्पति की वाइफ थी है ना, और चंद्र के साथ ये तारा चली गई थी, तो इनको भी जो है जब इनके भी पिता की बात आई तो बृहस्पति ने बाद में इनको अडॉप्ट किया। तो ये बात सही है कि प्लैनेट को कैसे डिकोड करें, क्या सिर्फ हम मारक योग कारक समझ के घबरा जाएं और बोलें कि भाई मार्केश की दशा चल रही है, इज दिस द राइट वे टू लर्न एस्ट्रोलॉजी और इज दिस द राइट वे टू कम्युनिकेट टू क्लाइंट कि आपकी मार्केश की स्थिति चल रही है ना। मतलब किसी भी प्लैनेट को ये अनाउंस करने से पहले कि वो योग कारक है मारक है, कुछ तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम पता कर सकते हैं इस कुंडली में क्या है, कि वो कौन, वो किस रूप में है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज आपसे पूछता हूं, आप थोड़ा मंथन करिएगा, आप थोड़ा सोचिएगा, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल दे रहा हूं, दुनिया की किसी किताब में नहीं है ये ज्योतिष की, और किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं, और पता नहीं सोचा नहीं सोचा बट किसी किताब में मैंने तो नहीं पाया और किसी डिस्कशन में भी नहीं सुना, आपको ही पहली बार सुनने को मिलेगा जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है, कुंभ लगन में यानी शनि के जो दो लगन होते हैं मकर और कुंभ, कुंभ लगन में जो कि द्विस्वभाव राशि वाला लगन है, स्थिर राशि वाला लगन है, उसमें आप मुझे बताइए कि जो शुक्र है वो योग कारक है या मारक है। कुंभ लगन में शुक्र फोर्थ हाउस में जाता है second. देखो कुंभ लगन में जो शुक्राचार्य हैं, यानी कि शुक्र बोल लो ज्यादा अच्छा होगा, वीनस बोले, शुक्राचार्य भी ना बोले शुक्र भी ना बोले, योग कारक आएगा ना फोर्थ हाउस में, योग कारक आएगा ना वो नियम के अनुसार, क्योंकि फोर्थ हाउस में टॉरस बैठी है केंद्र में और नाइन्थ हाउस में लिब्रा बैठी है, मतलब एक केंद्र का घर हो गया और एक त्रिकोण का घर हो गया, तो एज पर तो योग कारक हुए। मगर आप मुझे बताइए, ज्योतिष में एक रूल ये भी है कि कहते हैं कि भाई द्वि सब जो स्थिर लगन होता है, यानी कि या तो वो वृषभ लगन हो या वो कुंभ लगन हो या वो सिंह लगन हो या वो वृश्चिक लगन हो, इनमें जो बादकेश होता है वो नाइन्थ लॉर्ड होता है। तो आप मुझे बताइए, जब शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं, परम मित्र हैं, ज्योतिष के अंदर इनको परम मित्र बोला और ये बोला है कि इनके बारे में बहुत अतिशोक्ति है, तो कैसे कोई योग कारक प्लैनेट बादकेश हो सकता है? सोचने वाली बात है, नहीं है? मतलब एक मतलब चर्चा का विषय है ना कि भाई हम बोल रहे हैं योग कारक है तो नाइन्थ लॉर्ड है वो, तो वो बादकेश भी होता है, तो क्यों वो बादकेश क्यों, मित्र मित्र के लिए बाधा क्यों पैदा करेगा, है ना सोचने वाली बात। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा था, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फॉर एवरीवन हु इज लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और हम कैसे डिकोड करें योग कारक है मारक है उसके टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा आपको। मगर ये जो कुछ सवाल मैंने अभी किए, बिना इनको जांचे परखा जाए, मतलब इनको हम बोल दें योग कारक है मारक है, तो अनाउंसमेंट ऐसा करने से पहले बेहतर है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जानने का कि कोई प्लैनेट योग कारक है मारक है? सोचने वाली बात है, हम ऐसे ही हम बोल दें भाई मार्केश की दशा चल रही है तो बहुत बुरा होने वाला है, तो वो गलत होगा, है ना। जैसा मैंने बताया कि उस प्लैनेट को कैसे पहचाने कि वो शनि देव किस रूप में लिए हुए हैं, वो शुक्र के मित्र के रूप में है जो
जो कि प्रतिस्पर्धा करते हैं लक्ष्मी जी से ये जानने के लिए कि हम में बेटर कौन है। तो जब नारद जी ने और विष्णु जी ने बताया कि भाई लक्ष्मी जी जब आती हुई अच्छी लगती हैं और शनिदेव जाते हुए अच्छे लगते हैं किसी के जीवन में, ऑब्वियसली लक्ष्मी जी आएंगी तो अच्छी हैं और शनिदेव जाते हुए अच्छे लगेंगे उनकी दशा के रूप में, या साढ़े साथी की जाते के रूप में, या कंटक शनि की या ढैया के रूप में जाते वक्त अच्छे लगेंगे। तो वो शनिदेव जो कि शुक्राचार्य के शिष्य भी हैं और लक्ष्मी जी से कॉम्पिटिशन भी कर रहे हैं, है? तो वो कौन है शनिदेव उस कुंडली में, और वो लगन कोई भी हो सकता है। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं कि बिना काल पुरुष की पे कमांड किए हुए, बिना काल पुरुष को समझे हुए बाकी के लगन समझना तो मतलब बोलते हैं मीनिंगलेस है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। और बाकी की जो ज्योतिष है जितनी भी है वो सब मतलब उसका क्या मीनिंग अगर हमको यही नहीं पता कि उस वो कुंडली में वो किस रूप में है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हमको ये नहीं पता कि कुंडली में वीनस किसका रूप लिए हुए है, शुक्राचार्य का रूप है जिनको भगवान विष्णु ने कर्ज किया था कि भाई तुम्हारे दो हिस्से हो जाएंगे, एक पृथ्वी लोक पे रहेगा जो असुरों के लिए काम करेगा और एक ब्रह्मांड में रहेगा जो कि देवों के हित के लिए काम करेगा। या ये वो वाले शुक्राचार्य जिनके पास मृत संजीवनी थी जो उन्होंने शिव से हासिल की थी तपस्या करके, और वो एक पेड़ से उल्टा लटक गए थे और उसमें नीचे उन्होंने आग लगा ली थी और पूरा धुआं ग्रहण किया था उन्होंने एज ए भोजन के रूप में, तो वो कौन है? मतलब वो मृत संजीवनी वाले शुक्राचार्य हैं जो किसी को भी जीवन दे सकते हैं, वो कौन है कैसे पता चले? ऐसे ही हर स्टोरीज कहाँ मिलेगी मुझे पढ़ने का, ये नहीं? हाँ जी, ये जो अभी आपने स्टोरी बताई ना कि शुक्राचार्य को विष्णु जी का शाप था, आधे पृथ्वी पे रहेंगे आधे स्वर्ग में रहेंगे, और एक मृत संजीवनी वो जो उल्टा लट गया था, अगर आपके लेक्चर के बाद मुझे ये पढ़ना है तो कहाँ मिलेगा मुझे ये पढ़ने को? अच्छा, ये सब मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ये सब मैंने जितना भी अर्जित किया, मैंने कम से कम लास्ट 13-14 साल इन्हीं को पढ़ के मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। मेरी स्ट्रेट अवे ज्योतिष से शुरू नहीं हुई थी, मैंने सबसे पहले श्रीमद् भागवत और इन सबको बारे में जानने की कोशिश की थी, इनको पढ़ना शुरू किया था, रामायण महाभारत अलग अलग ऋषियों की जो किताबें हैं कि वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, उनके माध्यम से समझने की, क्योंकि सबका कहने का रामायण का तरीका अलग था। ये सब आया किससे? एक हेल्दी डिस्कशन से फैमिली में। तो ये बेसिकली मतलब एक दिन का मंथन नहीं है ये, मतलब मैंने लास्ट 13-14 सालों में सीखा है। और पैरेलली जब मैंने ज्योतिष शुरू किया तो उसका जिसे बोल सकते हैं मिश्रण कह लो, उससे ये मैंने ज्योतिष को मुझे बहुत हेल्प मिली। क्योंकि आप ये भी ये जान लीजिए, अगर मैथमेटिकल रूप में एक हद तक आप घुस जाते हैं ज्योतिष में, तो ज्योतिष में आप ज्यादा मतलब पराकाष्ठा को हासिल नहीं कर सकते, फिर आप प्लस माइनस इन सब में रह जाएंगे, लग्न की डिग्री इतनी, ये उतना, ये उतना, मतलब आप उसमें अपना पर्सनल टच, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और इस तरीके की चीजें उसमें नहीं दे सकते। एक हद तक ही मैथमेटिकल पोर्शन काम करता है, मगर एसेंस जानने के लिए ना आपको अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और मैं बार बार इस पर एम्फसिस करता हूँ कि एडवांसमेंट के नाम पे एस्ट्रोलॉजी में अगर बेसिक में, जो मैं बार बार बोलता हूँ, आज तो मैंने आपको जैसे इतना एक दे क्या बोलते हैं कालपुरुष कुंडली के बारे में बताया, ऐसे ही मैं एम्फसिस करता हूँ देश काल पात्र पे। बिना देश काल पात्र भी जाने आप प्रिडिक्शन करने में जिसे बोलते हैं सक्षम नहीं होंगे, ऐसे ही मैं भाव भावेश कारक पे बोलता हूँ। देखिए, 3-4 एस्ट्रोलॉजी के पिलर हैं जिनको कहीं पर भी फॉलो नहीं किया जाता, कहीं पर भी। तो हमारा इस कोर्स में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जब भी आप फंस जाएं ज्योतिष के किसी भी लेक्चर या किसी भी टॉपिक पे, आप अध्यात्म का सहारा लीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं, आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लीजिए। जब आपका क्वेश्चन था कि एरीज लगन में शनि देव के बारे में शायद आपका सवाल था कि वो मारक कैसे हो सकते हैं, तो मारक वो एरीज लगन की बात नहीं है, वो किसी भी लगन में हो सकते हैं, वो तुला लगन में भी हो सकते हैं, वो वृषभ लगन में भी हो सकते हैं, जबकि उसमें सबसे ज्यादा योग कारक माने जाते हैं। शनि का देखिए, शनि की बेसिक प्रकृति को समझिए, शनि तो बेसिकली किस चीज के कारक है?
डिले फ्रस्ट्रेशन के कारक हैं, बहुत आपसे मेहनत कराते हैं, है ना, कोई भी चीज वो ऐसे ही जीवन में नहीं दे देते हैं आपको। और मैं एरीज लगन में ही अगर आपको ये बोलूं कि अगर मैंने शनि देव को सेवेंथ हाउस में बैठा दिया, है ना, तो क्या बोलेंगे सब लोग, एग्जॉल्टेड है। तो क्या जीवन, तो जीवन में जितने भी बच्चे हुए और एक ही समय पर पैदा हुए, एक ही गांव में हुए, एक ही शहर में हुए, एक ही समय पे हुए, एक ही डेट पे हुए, और उनकी कुंडली में सेवेंथ हाउस में अगर शनि उच्च का है, तो क्या वाकई में सबको उच्चतम स्तर का जीवन मिलेगा? उनकी वाइफ जो उनका पार्टनर होगा उनको वो उच्चतम मिलेगा, या सबकी शादी हो ही जाएगी? सोचने वाली बात है। मतलब एक जिसे बोलते हैं ना मंथन का विषय है भाई, एग्जॉल्टेड है सभी लोगों को जीवन में, जो मतलब उनका जो क्या बोलते हैं लाइफ पार्टनर, उनको बहुत अच्छा मिलना चाहिए ना। सोचने वाली बात है, जस्ट आई एम गिविंग यू फूड फॉर थॉट, कि किसी भी प्लैनेट को ये ना सोचा जाए कि वो मारक है या योग कारक है, वो किसी भी लगन में भी हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि तुला लगन में, वृषभ लगन में भी शनि कैन बी वेरी वेरी मेलिफिक, उसमें भी हो सकते हैं वो, जबकि उसमें सबको क्या सिखाया जाता है कि वो योग कारक है। अब अगर आपके पास कोई तुला लगन की कुंडली आएगी और शनि की दशा चल रही होगी या आने वाली होगी, तो सबको तो ये लगेगा कि भाई उस दशा अंतर दशा में बहुत प्रोग्रेस होगी, सब कुछ होगा, है? तो बेसिकली इज इट अ राइट वे टू चेक कि क्योंकि वो योग कारक है तो मतलब जीवन में जहां तक फ्लरिश करने लग जाएगा? नहीं, हमें आपका वो ये तीन पिलर्स और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से जाना। थोड़ा सा निर्मला जी, थोड़ा सा लाउडर प्लीज। नहीं, हमें ये जो थ्री पिलर्स ऑफ प्रेडिक्शन बोले ना, काल पुरुष कुंडली, भाव भावेश कारक, देश काल पत्र के हिसाब से जाना है, और स्पिरिचुअलिटी और ये जो स्टोरीज है ना जो आपने, बिल्कुल उसके हिसाब से, बिकॉज़ दैट विल एक्चुअली हेल्प। जी, तो एस्ट्रोलॉजी तब तक मुश्किल रहेगी जब तक ज्योतिष के जो ये तीन चार पिलर है ना, इस पे कमांड नहीं होगी। मतलब संयम नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा ना, तो आपके पास जैसी कोई कुंडली आएगी और आपको सिखाया गया है कि भाई ये मारक है, तो क्योंकि सबसे पहले आदमी लगन ही देखता है किसी भी चार्ट में, और लगन के हिसाब से वो निर्धारित कर लेता है तुरंत कि ये मारक है, योग कारक है, और फिर वो दशा फिर वो ऐसे ही बताते हैं। इज दिस द राइट वे? सोचने वाली बात है, क्या मतलब ऐसे होना चाहिए? अगर मैं आपको 10 चार्ट दे दूं और 10 के 10 चार्ट उन्हीं बच्चों का हो, उन्हीं जातकों का हो जिनका सेम समय पे जन्म हुआ है, सेम शहर, सेम गांव, कुछ भी नहीं, डेट भी सेम एग्जैक्टली, तो क्या उनका जीवन में आप ये बोल देंगे हम 10 के 10 चार्ट पे कि उनका जीवन फ्लरिश होने वाला है? क्या कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कुछ तो ऐसी चीज होगी ना, डीमार्केशन कुछ तो होगा जिसको लेके हम बाइफरकेट कर सके कि भाई तुम्हारा जीवन ऐसा जाएगा, पर्टिकुलर जातक का जीवन ऐसा जाएगा, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, है ना? Yes, हमारे पास ऐसी कुछ तो चीज होनी चाहिए ना जिससे हम बाकी के वो, मतलब वो जो 10 लोग हैं किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास जाए और आपके पास है, तो आप वो डीमार्केशन कर सके। Yes, sir. है ना? तो बेसिकली काल पुरुष कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। काल पुरुष कुंडली के बिना ज्योतिष इनकम्प्लीट है, प्रिडिक्शन करना भी बहुत मुश्किल है, और सिर्फ रट्टाफिकेशन रह जाएगा जीवन में ज्योतिष के नाम पर। तो हमें ऐसा तो नहीं करना है। खैर, हम कोशिश करेंगे कि हम वो समझें जहाँ पे हम फंस जाते हैं किसी कुंडली को विवेचन में, तो वहां पे तरीका क्या है, ठीक है ना? तो मैं आपको पीपीटी पे लेके आता हूँ और फिर वहां पे हम कुछ डिस्कशन करते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से शास्त्रों में भी लिखा है, और कुछ हम अपना भी उसके अंदर ना अपना योगदान दे सके। तो हम बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके चीजों को ना समझें और ना ही हम सब्जेक्ट को क्रैम करें, हम उसको रिलेट